हरियाणा में आज लोकसभा चुनाव के बीच सभी 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भारी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा से एक दुखद खबर आई है। दरअसल हरियाणा के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। महज 45 साल की उम्र में राकेश दौलताबाद ने आखिरी सांस ली। दौलताबाद गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई है। करीबियों के मुताबिक विधायक राकेश सुबह वोट डालकर अपने फार्म हाउस पर गए थे, जहां करीब 10 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राकेश दौलताबाद की मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें सुबह सीने में दर्द हुआ और ये पहला मौका था जब उन्हें सीने में दर्द उठा था। इसके बाद वे वोट डालने गए, जहां से अपने फार्म हाउस पर चले गए और यहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें, राकेश ने बादशाहपुर से इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी और उस वक्त की मनोहर लाल की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। इसके बाद जब जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूटा, तब भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी सरकार का उन्होंने समर्थन किया था। राकेश दौलताबाद के निधन के बाद हरियाणा समेत देश में गम का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राकेश दौलताबाद के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के विधायक राकेश दौलताबाद जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई थी। उनका जाना प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। ईश्वर शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों को संबल प्रदान करें। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा है कि बादशाहपुर के विधायक और विधानसभा में प्रमुख सहयोगी रहे राकेश दौलताबाद जी के आकस्मिक निधन से आहत और स्तब्ध हूँ। राकेश जी के अचानक चले जाने से हरियाणा की राजनीति में एक शून्यता आई है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवारजनों और समर्थकों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के असामयिक निधन का समाचार सुनकर दुखी हूँ। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवारजनों व समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवारजनों को संबल प्रदान करें। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल, इनेलो के अभय चौटाला समेत प्रदेश के कई नेताओं ने दौलताबाद के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को संबल प्रदान किया है। दौलताबाद के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी के अलावा उनके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। वहीं कोविड के दौरान उनके छोटे भाई का निधन हो चुका है। बहरहाल राकेश दौलताबाद के निधन की खबर सुनकर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है और लोग उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं देने पहुंच रहे हैं। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे टीवी 9। शुक्रिया।